Now next question of exercise 6.5. The diagonal of rhombus measures 16 and 30 cm. Find its perimeter. We know that कि rhombus की जो four sides होती हैं वो equal होती हैं और जो diagonals हैं वो bisect करते हैं. All the four sides of rhombus are equal and diagonals bisect each other. अगर ये ABCD rhombus है, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पे. राइट डाउन, वी नो दैट ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. Side AB is equals to BC, CD, DA. Diagonals कौन से हैं? Diagonals of rhombus AC and BD bisect each other. मान लिया कौन से पॉइंट पे bisect कर रहे हैं? At point O. अगर bisect कर रहे हैं, it means AO is equals to OC, BO is equals to OD. हमने मान लिया जो diagonal AC है, वो है 30 सेंटीमीटर और डायगोनल BD है 16 सेंटीमीटर. तो AO is equals to OC 30/2 15, BO is equals to OD 16/2 8 सेंटीमीटर. तो ये 8, 8, 15 and 15. अब डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं और ये 90 डिग्री एंगल होता है. तो हमने ट्रायंगल ली AOB. इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. AO इज 15, OB इज 8. 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर इज 64. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289. 289 स्क्वायर होता है 17 का. तो ए बी हमारे पास आ गया 17. दिस इज इन सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस. चारों साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हो गया 4 into साइड. या आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हो. So 4 multiplied by 17, 68 centimeters. क्लियर है? हमें पता है रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल है 90 डिग्री. ट्राइंगल ली AOB, राइट एंगल ट्राइंगल. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की. लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू आई 17. पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होगा 4 into साइड क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं. सो 4 into 17 68 सेंटीमीटर्स. नोट कर लीजिए.